एक तरफ राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ करने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत कोसों दूर है। सारी दावे जमीन पर हवा हवाई साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि सरकारी अस्पतालों में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, लिहाजा मरीजों का सही इलाज यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जी हाँ, हम बात करें बीसी से लोधना क्षेत्र के जयरामपुर कोलेरी अस्पताल की। जयरामपुर बस्ती की कुल आबादी करीब 30,000 है। 30,000 की आबादी में बीसीसीएल द्वारा एक अस्पताल है, जो जयरामपुर बस्ती का एकमात्र अस्पताल, जिसमें डॉक्टरों की भारी अभाव है। अस्पताल में गंदगी बिखरा हुआ रहता है, इसके कारण अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए न तो डॉक्टर हैं और न ही एक्सरे करने की सुविधा ही उपलब्ध है। करीब 30,000 की आबादी वाले बस्ती के लिए यहाँ डॉक्टर के पद पर एक कंपाउंडर कार्यरत है। महिलाओं के लिए कोई डॉक्टर नहीं। लोगों के अनुसार यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं इलाज के लिए पहुँचती हैं। महिला डॉक्टर के अभाव में उन्हें मजबूरन अन्य डॉक्टरों से जांच कराना पड़ता है। आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य वीरेंद्र निषाद ने कहा कि जयरामपुर बीसीसीएल अस्पताल का रोना है। बीसीसीएल अस्पताल में झारखंड सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था, वो भी डॉक्टर के अभाव में दम तोड़ चुका है। कंपाउंडर के सहारे बीसीसीएल का अस्पताल चल रहा है। अस्पताल में साधारण बुखार, सर्दी, जुकाम, पेट दर्द आदि का ही इलाज कंपाउंडर करते हैं। इमरजेंसी होने पर उन्हें बाहर भेजा जाता है। अस्पताल में त्वरित उपचार न मिलने की वजह से लोगों को 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय कर धनबाद शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद जाना पड़ता है। कई बार तो त्वरित इलाज न मिल पाने की वजह से मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस अस्पताल में न ही डॉक्टर न ही मरीजों को दवा मिल पाती है। अस्पताल में महिला डॉक्टर की तैनाती नहीं होने की वजह से यहाँ आने वाली महिला रोगियों को उपचार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इस संबंध में जयरामपुर कोलियरे अस्पताल के कंपाउंडर उमेश पांडे कहते हैं कि हमसे जो बन पाता है हम करते हैं। उनका साफ कहना है कि छोटी मोटी इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी होने पर उन्हें रेफर किया जाता है। अस्पताल में महिला डॉक्टर के अलावा अन्य कर्मचारियों का भी भारी अभाव है। अस्पताल का नाम है जयरामपुर बीसीसीएल अस्पताल, जो बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से मैनेज होती है। साथ ही साथ झारखंड सरकार का एक स्वास्थ्य उपकेंद्र भी है, जहां पर एक भी चिकित्सक नहीं है। और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य उपकेंद्र में एक एएनएम को डिप्यूट किया गया है, चंदना चटर्जी, जो लगातार कोविड में इधर उधर वैक्सीनेशन के कार्य में लगा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं से लोग यहाँ पर घिरे हुए हैं। स्वास्थ्य के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। झारखंड सरकार स्वास्थ्य के नाम पर अरबों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन आज इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का हाल अगर आप देखें अपने कैमरे की नज़र में, तो आपको कैसा यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो आपको देखने से मिलेगा। तो झारखंड सरकार से भी हमारी मांग है कि आप सरकार की ओर से एक चिकित्सक, अस्थायी चिकित्सक इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में डिप्यूट करें। और बीसीसीएल प्रबंधन यहाँ पर पहले 5 साल पहले अस्थायी तौर पर चिकित्सक रहता था, आज भी उसका चैम्बर देखिए तो जाकर के कबाड़ा खाना बना हुआ है। एक भी चिकित्सक नहीं है और इस चिकित्सक का अभाव में न जाने कितने लोग जान गंवा चुके हैं। तो कहीं न कहीं इस कुव्यवस्था के लिए झारखंड सरकार और बीसीसीएल प्रबंधन दोनों ही जिम्मेवार है। हम दोनों ही एजेंसी, बीसीसीएल प्रबंधन और झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अविलंब यहाँ पर चिकित्सक की नियुक्ति की जाए तथा साथ ही साथ आवश्यक दवाइयों का भी सुविधा बहाल की जाए। जयरामपुर जो अस्पताल है, यहाँ की स्थिति क्या है? देखिए, गंदगी भी है। जयरामपुर बीसीसीएल अस्पताल की स्थिति काफ़ी नारकीय स्थिति है। एकमात्र कंपाउंडर है उमेश पांडे, वो बेचारे आते हैं, वो दिन रात लगे हुए रहते हैं इस अस्पताल के लिए कि यहाँ के लोगों को जो फर्स्ट एड का सुविधा है कम से कम उसकी ओर से, नहीं हो तो वो अपने खर्च से भी लोगों का छोटा मोटा इलाज कर देते हैं और उसे पीएमसी भेज देते हैं। कम से कम इनके माध्यम से इतना काम होता है। बीसीसीएल का बहुत ही बदतर स्थिति है। आप देख सकते हैं कि बीसीसीएल के स्टोर रूम में, ड्रेसिंग रूम में कैसे सामान बिखरा पड़ा हुआ है, कोई भी सामान नहीं है। डॉक्टर का जो केबिन है वो भी एक कबाड़ खाना बनकर के रह गया है। इसलिए बीसीसीएल प्रबंधन से मांग है कि एक चिकित्सक अस्थायी तौर पर यहाँ दी जाए, जो कि 25 से 30 हज़ार की आबादी है और इस आबादी के बीच एकमात्र अस्पताल है, इसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों के स्वास्थ्य के साथ बीसीसीएल प्रबंधन खिलवाड़ कर रही है और
इसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगतने के लिए मजबूर है। अगर इस पर सुधार नहीं किया गया, कौन सा अस्पताल है? ये जयरामपुर कोरोनरी अस्पताल है। विशेष का कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? यहाँ करीब करीब हम 25 से 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आप किस तरह का मरीज देखते हैं? और यहाँ पे जितनी तरह के मरीज बोला जाए सभी मरीज आते हैं। जो हमसे हो पाता है हम करते बात कर देते हैं। अभी 5-6 साल से कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जितना भी बन पाता है हम अपने स्तर से करते हैं। बाकी को सेंट्रल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल भेजते हैं, इमरजेंसी कार्य भेज देते हैं। तो इमरजेंसी जो छोटा मोटा रहा हम हमारे करने लायक करते हैं, बाकी को रेफर कर देते हैं। तो बड़ा डॉक्टर न रहने से तो दिक्कत है। कोई डॉक्टर नहीं, तो दवा की भी यहाँ कमी है। दवा का तो कमी रहेगा ही, जब डॉक्टर नहीं है तो सही रिक्वायरमेंट देने वाला कोई नहीं है। जितना हो मिलता है हम उतना देते हैं। तो बगल में उप स्वास्थ्य केंद्र भी था। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ सर बिहार झारखंड सरकार का मेरे अस्पताल के अंदर ही चलता है, उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं आते हैं।